नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान मौसम तक्षण में, जिसमें बात करेंगे अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की, जिसमें देखा जाए जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, इन जिलों में लगभग मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है। वही कई कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं अरब सागर से आने वाले बादलों की वजह से कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं नागौर और अजमेर से सटे हुए पाली और जोधपुर संभाग में कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। वही बात करें उदयपुर संभाग और कोटा संभाग, कोटा संभाग और उदयपुर संभाग देख रहे हैं रात के समय कुछ बारिश की गतिविधि कुछ बढ़ने की संभावना बनती दिखाई, जिसमें उदयपुर संभाग, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, बारा, पाला, झालावाड़, इन इलाकों में रात के समय कुछ, भीलवाड़ा, इन इलाकों में रात के समय बारिश की गतिविधियाँ कुछ बढ़ने की संभावना बनती दिखाई, जिसमें देखा कोटा संभाग में रात के समय बहुत भारी बारिश होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। वही उदयपुर संभाग और भरतपुर संभाग की बात करें, जिसमें रात के समय भारी बारिश होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसमें बात करें झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, इन इलाकों में रात रोक, इन इलाकों में रात के समय बारिश की गतिविधि कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना बनती दिखाई, कल होते तो यहाँ पर बारिश की होती है और गतिविधि और बढ़ने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। वही बीकानेर संभाग और अजमेर संभाग की बात करें, जिसमें रात के समय इनमें भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, इन इलाकों में बीकानेर, चुरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन इलाकों में रात के समय बारिश तेज होने की संभावना बनी दिखाई दे रही है। वही कल होते होते पूर्वी दक्षिण राजस्थान में बारिश की होती हुई देखो और भारी बारिश होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसमें 100 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना बनती थी। उत्तर से लगाकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान तक बारिश होने की संभावना, जिसमें कोटा संभाग, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग, कुछ बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग, इन इलाकों में हल्की से मध्यम से भारी से अति भारी बारिश होने की भी संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप सावधान और अलर्ट रहे। नदियों में पानी का उफान बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आप सावधान और अलर्ट रहें। और मौसम की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और हमारे चैनल को अब लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगला कोई भी वीडियो मौसम के बारे में होगा तो आपको जरूर प्रोवाइड मिल सके और सही समय पर आपको मिल सके। और मौसम की जानकारी हमारे चैनल पर बने रहे राजस्थान मौसम तक चैनल में। धन्यवाद।